आज जित दिल्ली के सारे बॉर्डर्स में जो किसान आंदोलन चल रहा है वहाँ पे महिला किसानों का और महिलाओं का मार्च था, और एक खास संदर्भ में आज का मार्च बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज से कुछ दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने जो किसान आंदोलन के संदर्भ में जजमेंट दिया, उसमें काफ़ी सारे माने उस वो वर्डिक्ट ऐसा है जो एक तरीके से किसानों के साथ छल किया गया है, और खुलेआम किसानों को गलत समझाने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन किसान आंदोलन इस बात को समझ चुकी है, जैसे एक कमिटी बनाया गया, जो कमिटी में चार लोगों को उस कमिटी में रखा गया और कहा गया कि ये कमिटी अब जो है किसानों से किसानों का जो मसला है उसको सुलझाएगी, उनसे बातचीत करेगी। उन कमिटी में चार जो मेंबर है वो चारों के चारों सरकार के किसान आंदोलन किसान कानून के समर्थन में थे, और किसान आंदोलन के खिलाफ उनका एक राय था। इन चारों को कमिटी में रखा गया, तो एक तरीके से मैंने सरेआम किसानों को ये कहा जा रहा है कि चाहे तुम जितना भी मुश्किलों का सामना करते हुए अपना आंदोलन चला रहे हो, तुम सर्दी में बैठे हुए हो, इतने हज़ारों की तादाद में लाखों किसान यहाँ पे बैठे दिल्ली के बॉर्डर्स में बैठे हुए हैं, तो तुम्हारे राय का कोई मतलब नहीं है। सरकार और सरकार का पक्ष लेते हुए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो किसानों के साथ उन्होंने ये छल किया। दूसरी बात, चीफ जस्टिस ने जो बताया कि आंदोलन से महिलाओं को दूर रखा जाए, बुज़ुर्गों को दुख रखा जाए, अब इसमें देखिए कहने वाली बात तो ये है कि महिलाएं कहाँ रहेंगी ये महिलाएं खुद तय करेंगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई नहीं होते हैं, वो इस देश में संविधान के ऊपर नहीं, और संविधान इस देश में महिलाओं को ही आज़ादी देती है कि हम इस देश के नागरिक हैं, हम खुद तय करेंगे हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या राय रखना चाहते हैं। हमारा ये राय है कि हम किसानों के साथ हैं, हम देश में कंपनी राज के खिलाफ हैं, हम किसानों के अधिकार के साथ हैं, हम उनके MSP के अधिकार के साथ हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के खिलाफ हैं। ये राय जताते हुए आज बड़े तादाद में महिला किसान तीनों बॉर्डर्स में वो पहुंची है, तो ये किसान आंदोलन का भी ताकत दिखाता है, और उसी के साथ साथ इस बात को भी दिखाता है कि चाहे जितना छल करने का कोशिश किया जाए, देश के किसान ये समझ चुके हैं कि ये कुछ चंद कॉरपोरेट घरानों के लिए ज़बरदस्ती ये कानून देश पे थोपा गया है। लॉकडाउन के समय, जिस समय देश बीमारी कोरोना महामारी जैसे एक बीमारी से जूझ रहा था, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं थे, लोगों का मौत हो रहा था, लॉकडाउन लगा हुआ था, खाने पीने की लानत लगी हुई थी, हज़ारों की तादाद में मजदूर पैदल चल के अपना घर वापस जा रहे थे, जिस समय मजदूर जो है वो रेल लाइन से कट रहे थे, ऐसे एक मुश्किल समय सरकार ने चोरों के जैसा चोरी छुपे पार्लियामेंट में अपना मेजॉरिटी का गलत इस्तेमाल करते उन्होंने ये तीनों कानून लाया। अगर सरकार जो कह रही है किसानों के भलाई के लिए है और तमाम सारी बातें, अगर ऐसी बात होती तो लॉकडाउन के समय आपने ये कानून क्यों लाया? अभी कुछ दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार ने पिटीशन दिया है, उसमें सरकार ने कहा है कोर्ट से कि हमने बहुत बातचीत किया है, दो दशकों के बातचीत के बाद हमने ये कानून लाया है। अब ये दो दशकों का बातचीत आपने किसने किया है, किससे किया है? क्योंकि किसान आंदोलन तो चल रहे हैं दो दशक से तो नहीं चल रहे हैं, दो महीने हुए चल रहे हैं, अब तो किसानों का बात सुन नहीं रहे, तो दो दशक से उनका मतलब है कि वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऐसे IMF, ऐसे जो अमरीकी पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाली जो संस्थाएं हैं, उनका बात सुन के हमारे देश के ऊपर ये कानून थोपा जा रहा है। तो कहाँ से ये कंपनी राज से अलग है? उस समय अंग्रेजी हुकूमत अपने इंटरेस्ट में, अपने मुनाफे के लिए हमारे देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थोपी थी, और आज अमरीकी पूंजीवाद के पक्ष में, WTO के पक्ष में, अंबानी अदानी के पक्ष में कानून लाया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसा खतरनाक चीज़ हमारे देश के किसानों के ऊपर थोपा जा रहा है, यही तो है। तो किसान इस बात को समझ चुके, वो कह रहे हैं कि कंपनी राज नहीं चलेगा, और फसल का अधिकार किसानों का है, फसल का सही दाम देने का जिम्मेदारी वो सरकार का है।